कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में खास तौर से सरसों के बारे में। सरसों में जानेंगे कुछ मंडियों में आज की कीमतों के बारे में, और साथ ही सरसों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि तेल मिलों की मांग कमजोर होने की वजह से घरेलू बाजार में सरसों को सोमवार के दिन सरसों कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई है, और साथ ही जयपुर मिल कंडीशन में सरसों के दाम में 25 रुपए तक की गिरावट भी दर्ज करी गई है। इसके अलावा जिसकी दैनिक आवक बढ़कर 2,35,000 बोरियों की हो गई है, व्यापारी मान रहे हैं कि अवकाश की वजह से विदेशी बाजार बंद रहे और घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों में गिरावट तो आई है, लेकिन इन भावों में स्टॉकेट की बिकवाली कमजोर देखी गई है। और इंडोनेशिया जनवरी से पाम तेल के निर्यात के नियमों को कड़ा करेगा, और साथ ही चीन की सीमाएं फिर से खुल गई हैं जिससे आयात मांग बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और घरेलू बाजार में सरसों और इसके तेल की कीमतों में मंदी काफी हद तक वैश्विक बाजार के खाद्य तेल के भाव पर निर्भर कर सकती है। कल हफ्ते की शुरुआत में सरसों में बाजारों में बढ़त देखी गई थी, लेकिन अगर आज मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। लेकिन अगर आज की कीमतों के बारे में बात करते हैं तो आज बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ सरसों सीड में कारोबार देखा गया है। सबसे पहले कीमतों के बारे में जान लेते हैं। जयपुर का रेट 6625 है जिसमें 25 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई है, और दिल्ली कीमतें 6500 रुपए चल रही है जिसमें 25 रुपए तक की तेजी बाजारों में आई है। इसके अलावा हिसार का रेट 6200 रुपए चल रहा है जिसमें 50 रुपए तक की गिरावट आई है। बरवाला की मंडियों में 6100 से लेकर 6125 के बीच का लेवल है जिसमें 25 रुपए तक की गिरावट के साथ बाजारों में आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। और इसकी आवक को देखते हुए और इसकी कीमतों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि विदेशी बाजार न्यूयॉर्क की वजह से बंद थे, अब बाजार विदेशी बाजार खुल गए हैं जिसमें केएलसी में आज के दिन बढ़त दर्ज करी गई है। तो जिसकी वजह से अगर विदेशी बाजार में तेजी आने वाले समय में सस्टेन करती है तो उसका असर आपको घरेलू बाजार में सरसों फी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत नरमी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल के लिए बाजारों में नहीं लगाई जा रही है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उस पर लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।